दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। क्या कारण है कि हम हवा से भरे हुए बड़े बीच बॉल को आसानी से उठा लेते हैं लेकिन छोटा सा पत्थर उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है? जवाब है डेंसिटी। जी हाँ, छोटा सा पत्थर बड़े बीच बॉल से ज्यादा डेंस होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंसिटी क्या होती है और ये कैसे मेजर की जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये मैटर की डिफरेंट स्टेट्स में कैसे चेंज होती है। रफली डेंसिटी वो मेजरमेंट है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है। एक्चुअली किसी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में वेस्टेड यानी निहित मास को उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहते हैं। तो बड़े बीच बॉल का मास कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। वहीं छोटे से पत्थर का मास ज्यादा और वॉल्यूम कम होने के कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इन ऑब्जेक्ट्स को उनकी बढ़ती हुई डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करें। वीडियो रोक के सोचें, अरेंज करें और फिर आगे बढ़ें। करेक्ट आंसर्स कुछ इस तरह हैं। क्या आप जानते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस की भी डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं? इस टेबल में दिए गए डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटीज को देखिए। हनी सबसे डेंस लिक्विड होता है, मिल्क की डेंसिटी मॉडरेट होती है और लैम्प ऑयल की डेंसिटी सबसे कम होती है। लेकिन डिफरेंट स्टेट्स की डेंसिटीज के बारे में आप क्या कहेंगे? पानी में डूबने वाले और तैरने वाले अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें। आप बीच पे जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी सी बीच बॉल पानी पे तैरती रहती है लेकिन छोटा और भारी पत्थर का टुकड़ा डूब जाता है। बहुत बड़ी बोट पानी पे तैरती रहती है, हैवी वुडन लॉग पानी पे तैरता है जबकि छोटा और हल्का पेपर क्लिप पानी में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आंसर है डेंसिटी। आइए देखते हैं कैसे एयर वाटर से कम डेंस होती है। बीच बॉल, बोट और वुडन लॉग भी वाटर से कम डेंस होते हैं, इसलिए ये सभी ऑब्जेक्ट्स पानी पे तैरते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर पत्थर और पेपर क्लिप्स वाटर से ज्यादा डेंस होते हैं इसलिए ये डूब जाते हैं। ये सोच के कभी कंफ्यूज मत होइए कि गैसेस की डेंसिटी सबसे कम, लिक्विड्स की मॉडरेट और सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसके साइज की तुलना में उसका मास होता है। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। डेंसिटी को जनरली किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस किया जाता है। इन क्वेश्चंस की डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्मूला देख के हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट के मास और साइज पर डिपेंड करती है। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मास और वॉल्यूम के साथ साथ ऑब्जेक्ट के मटेरियल के एटॉमिक अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करती है। सभी ऑब्जेक्ट्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के भीतर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तय करता है। पत्थर के टुकड़े में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं जबकि वुड में मॉलिक्यूल्स पत्थर की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं और गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। सॉलिड आइस लिक्विड सी वाटर से कम डेंस होती है इसलिए आइसबर्ग्स पानी पे तैरते रहते हैं। आइस के मेल्ट होने से इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है जिससे इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और ये सी वाटर में मिक्स हो जाती है। इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर डेंसिटी को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर और डेंसिटी के इस रिलेशन से हम हॉट एयर बलून की मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। हॉट एयर नॉर्मल एयर से कम डेंस होती है जिससे हॉट एयर बलून ऊपर की ओर उठता है। हॉट एयर कोल्ड वाटर की अपेक्षा कम डेंस होता है इसलिए ऊपर का सी वाटर नीचे के सी वाटर की अपेक्षा गर्म होता है। तो इस वीडियो में हमने डेंसिटी डिस्कस की। डेंसिटी मेजरमेंट में किसी ऑब्जेक्ट के वेट को उसके साइज से कंपेयर करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के भीतर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे भी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निर्भर करती है। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।